मुंब्रा में समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। मुंब्रा के समाजवादी पार्टी ऑफिस पर कार्यकर्ता मिलावा रखा गया था और मुंब्रा कलवा अध्यक्ष कलीम जमई और ठाणे जिला अध्यक्ष बादशाह सैयद ने बताया कि मुंब्रा शहर में समाजवादी पार्टी अब मजबूत हो रही है और आज कई नौजवान समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्हें अलग अलग पद देकर जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकर्ताओं को पद वितरित करने के बाद कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कलीम जमई ने क्या बताया, आपको सुनाते हैं। क्या प्रोग्राम था आज यहाँ? आज यहाँ पर काफ़ी तादाद में नौजवान बुजुर्ग साथी हमारे समाजवादी पार्टी का दामन थामे हैं और इससे हमें समाजवादी पार्टी की हौसला अफजाई हुई है और एक हिम्मत हुई है कि आज जिस तरह से मुंब्रा के अंदर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया गया है, अभी नौजवानों के साथ जो काफिला हमारा बढ़ रहा है इसको लेकर के इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी और मुंब्रा को खुशहाल बनाने में हर तरह का सहयोग। देखा गया कि ज़्यादातर नौजवान शामिल हुए हैं, तो क्या मकसद है और क्या देख के नौजवान आ रहे हैं आपके पास? जी, नौजवान ये देख कर के आ रहे हैं कि वाकई समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के अंदर वो कुव्वत, वो ताकत है जो आज यहाँ के भ्रष्टाचारियों के मुकाबले में लड़ सकती है, खड़ी हो सकती है। इसलिए आज ये नौजवान हमारे सामने आए हैं, इंशाल्लाह इनकी हौसला अफजाई करते हुए इनका साथ लेकर के हम उन तमाम लोगों से लड़ने का काम करेंगे जो मुंब्रा को बर्बाद कर दिए। कितने लोग हैं आज? मेरे ख्याल से 100 के लगभग नौजवान आए हैं आज हमारे यहाँ। ये आपके जो पुराने लोग हैं वो दूर होते जा रहे हैं, नए जुड़ते जा रहे हैं, तो पुराना आज को यहाँ चेहरा नज़र नहीं आया, नायब सदर हैं, महिला सदर हैं, वो सब कहाँ? जी, वो चूंकि मैसेज दिया गया था लोगों की अपनी मसरूफियत है, हो सकता है किसी वजह से ना आ सके हों, लेकिन पार्टी में चूंकि लोगों के काम काज हैं, शॉर्ट नोटिस में कल ही ये बताया गया, हो सकता है लोग कहीं और गए हों, आ जाएंगे। एक प्रोग्राम अबू आसिम आजमी साहब का कैंसिल हो गया था, वो दोबारा कब होगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा, अब उसे हम जाने वाले हैं डेट लेने के लिए, चूँकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है उनकी और जो भी मसरूफियात के दिन है उनके उसी में से वक्त लेकर के इंशाल्लाह बहुत जल्द मुंब्रा के अंदर प्रोग्राम कराएं। शहर में जो सियासी माहौल गरमाया हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आपके मुख्तलिफ पार्टियां इंतजार कर रही हैं? जी, शहर में जो माहौल गरमाया हुआ है वो आप जानते हैं कि हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने जो टिप्पणी किया है औरंगजेब अलहिर्रामा पर, उसको लेकर के आज जो है तमाम समाजी और सियासी पार्टियाँ अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं और वो बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो गलत टिप्पणी किया है उसको लेकर के उनको संजीदगी से माफ़ी मांगना चाहिए और ताकि मुंब्रा में किसी भी तरह का तनाव का माहौल ना हो, लोगों की आस्था को चोट ना पहुंचे, जो लोगों के अकीदत होते हैं, एहतराम है अपने सूफिया बुजुर्ग औरिया के साथ वो कायम रहे। इसमें हम किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह की बात, भड़काऊ बातें या इस तरह की बातें करे जिससे हमारे समाज को नुकसान पहुँचे, उनके दिलों को ठोक।